इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल पे नोज ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल पे लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लिप्स एंड नोज ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम नोज ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लिप्स को ड्रॉ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आईज को डिफरेंट एंगल से ड्रॉ किया था एक सर्कल की मदद से। अब की बार हम ट्रैंगल लेंगे और ट्रैंगल से नोज ड्रॉ करके देखेंगे और कुछ ओवल से हम लिप्स भी ड्रॉ करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से इस आईज को ड्रॉ किया था, ऐसे सर्कल लगा के ऐसे ओवल से किस तरीके से हमने ड्रॉ करके किया था। तो अब हम नोज ड्रॉ कर रहे हैं। एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसमें शेड करके मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम बेसिक तरीके से अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। मैंने इसमें लाइट का सोर्स ऊपर से लिया है क्योंकि नेचुरल लाइट हमेशा ऊपर से आती है। जो भी नेचुरल लाइट होती है वो ऊपर से आती है जब कोई इंसान खड़ा होता है। तो उसके बाद मैंने इनमें इसको शेप देना स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से इसमें नोज कहाँ से बेंड होता है, कहाँ से लाइन दिखाई देती है हमें, नोज किस तरीके से दिखता है। तो ये सब मैंने इसमें दिखाया है आपको और इसको मैं इजीली तरीके से बना सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ वो सब मैं बता रहा हूँ। और अब मैं आईज को इनको कॉन्टेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि इस जगह पे हमें आईज मिलेंगे, इस जगह से हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो मैंने ट्रायंगल बना दिया है और ट्रायंगल से कुछ ऐसे हम यहाँ से लाइट सोर्स लेंगे। जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है ट्रायंगल में उधर हम सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं जब भी कोई नेचुरल लाइट होती है, या फिर ज्यादातर लाइटें हमेशा ऊपर की डायरेक्शन से आती है, नीचे की तरफ बहुत कम लाइट होती है। लाइक कैंडल की लाइट जो होगी वो वही होगी एक जो जो कि हमारे हाथ में होती है, तब तब जाके हमें नीचे से हमें लाइट सोर्स मिलता है, वरना हम कोई भी ट्रायंगल बनाए तो इस तरीके से दिखाई देगा। और ये फ्रंट साइड थी। अब मैं साइड नोज बना रहा हूँ, फ्रंट साइड से साइड नोज, होरिजोन जो उसकी आई लेवल के हिसाब से हम उसको स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो भी हम बनाते हैं देखते हैं वो इस तरीके से ही देखते हैं। आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने ये बेसिक बताया, इसमें मैं बेसिक्स बातें बता रहा हूँ आपको कि आप किस तरीके से नोज ड्रॉ कर सकते हो। और इस तरीके से हम नोज ड्रॉ कर सकते हैं। आईज को ऐसे लगाएंगे जिस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, और ये लाइट का सोर्स रहेगा, हाईलाइट रहेगी जहाँ पे मैंने हाईलाइट लगाया, क्योंकि ज्यादातर नोज पे हाईलाइट यहीं पे होती है और बीच में जो बीच का ट्रायंगल होता है उसमें साइड में ही होती है, साइड में डार्क होती है और नीचे की तरफ हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लगा देंगे इस पे ऐसे, और ये बना देंगे हम इस तरीके से, और ये ट्रायंगल कुछ कुछ इस तरीके से लगा के जब हम ड्रॉ करते हैं साइड। मैंने इसमें ज्यादातर कुछ आईज या फिर उन चीजों पे शेडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मेरा मोटिव था कि आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखा सकूं। आने वाली वीडियोस में मैं एडवांस तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट रियलिस्टिक ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और इसमें मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप एक ट्रायंगल का यूज करके आप नोज बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट साइड से बना सकते हो। अब मैं लिप्स बनाऊंगा और ये देखिए किस तरीके से मैंने इन नोज को बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और अब चलो, इस दर मैंने आईज बनाई थी कि सर्कल से, अब ट्रायंगल से ये बनाया। अब मैं चार ओवल्स लेके एक लिप्स बनाऊंगा। मैंने इसमें यूज की है नटराज पेंसिल, जो कि आप देख सकते हो कि मैंने नटराज पेंसिल यूज किया। और अब मैं एक प्लस का निशान लगाऊंगा, जो ये प्लस का निशान है इसमें जैसे ही मैंने जिसको डायरेक्शन में जिस तरीके से मूव कर रखा है, ये हमें दिखाता है कि हमें किस किस साइड अपना लिप्स ड्रॉ करना है। लाइक मैं इसको अगर इसका बैलेंस अगर मैं राइट साइड पे ज्यादा रखता तो शायद हो सकता है कि ये दूसरी साइड दिखाई दे आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाते हैं इनका इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है किसी भी स्केच में। जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से किस डायरेक्शन में अपना लिप्स को बनाना है, और वर्टिकल हमें बताता है कि हमें अप एंड डाउन जिस तरीके से हम बनाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमें ये टू लेंस बताती है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और मैंने चिन भी बना दिया है जिससे कि लगे कि ये लिप्स लगे एक अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। और फिर मैंने थ्री ट्रायंगल से बनाया बनाया और जैसे हम प्लस का निशान अगर हम दोनों साइड से बैलेंस रखते हैं तो हम उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लिप्स को, वो सब बताया। और अब इसमें हम स्ट्रेट करेंगे, जैसे स्ट्रेट करके लिप्स के, और मैंने इसमें लाइट का सोर्स अप से लिया है क्योंकि मैं हर एक चाहता हूँ कि मैं नेचुरल लाइट से आपको ये सब चीजें करके दिखाऊं। चिन बना दिया, चिन में मैंने थोड़ी शेडिंग कर दिया ताकि आपको रियलिस्टिक सा लगे। लेकिन मैंने इसमें हालांकि रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने इसको थोड़ा बैंड कर दिया है और मैं अब साइड से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप साइड कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने लिप्स बना दिया
ओके मैंने अब चिन बना दिया। अब मैं चिन बना के मैं इसकी काम करता हूँ, नोज भी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये एक बढ़िया तरीके से बना है और अच्छे से आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से इनको मिला सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको परफेक्ट तरीके से सब चीज़ों को एक साथ, सब पार्ट्स को एक साथ लगा के पूरा फेस बना के दिखाने वाला हूँ। और तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे होंगे। आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें बताइए कि कलर्स पेंसिल्स भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ और आप ड्रॉ कर सकते हो किस तरीके से उसको। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ईयर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ वो सब बताऊंगा, एंड इस तरीके इसको मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, किस तरीके से इसमें मैंने शेडिंग का यूज़ किया है। हालांकि मैंने शेडिंग्स में इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया, फिर भी आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसमें शेडिंग का यूज़ करके या फिर अपने मैंने लाइनों का यूज़ करके सर्कल या फिर ट्रायंगल या ओवल्स का यूज़ करके लिप्स आइज ये सब की चीज़ें ड्रॉ की हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे हेल्प भी कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके। तब तक के लिए ड्रॉ डेली, डू प्रैक्टिस, एंड थैंक यू।